इन चिप्स के पैकेट के अंदर हमने आज से 15 दिन पहले अलग अलग तरह की गैसों को डाल करके छोड़ दिया था। हमें पता करना था कि अगर हम इन चिप्स के पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस की जगह अलग अलग तरह की गैसों को भर देते तो ये गैसें इन चिप्स को सही सलामत रख पाएगी या फिर नहीं। तो आज हो चुके हैं पूरे 15 दिन। चलो अब इन चिप्स के पैकेट को बाहर निकाल करके देखते हैं कि इनके साथ क्या हुआ है। तो यार ये पैकेट अभी भी वैसे के वैसे फूले हुए हैं, मतलब हमने इनके अंदर जो गैसें डाली थी वो बिल्कुल भी लीक नहीं हुई। तो चलो सबसे पहले इस नाइट्रोजन गैस वाले पैकेट को खोल करके देखते हैं। अरे यार लेकिन नाइट्रोजन गैस वाले चिप्स को तो कुछ भी नहीं हुआ है, अभी भी वैसे के वैसे हैं, बिल्कुल कड़क है। और एसिटिलीन गैस वाले पैकेट के चिप्स को भी कुछ भी नहीं हुआ है, ये भी वैसे के वैसे ही हैं। लेकिन ऑक्सीजन गैस वाले पैकेट के चिप्स के अंदर बहुत ज्यादा ऑयल दिख रहा है और जब मैंने इनको खा करके देखा तो इनका स्वाद बहुत ही बुरा था। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाले पैकेट के चिप्स को भी कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन इनके अंदर से अजीब सी स्मेल आ रही है। तो यार इनमें से किसी भी गैस ने हमारे एक भी चिप्स को खराब नहीं किया है, लेकिन मुझे नहीं पता कि अभी चिप्स खाने लायक है या फिर नहीं।